Dear friends, today we have a beautiful promise verse. मेरे अनमोल मित्रों, आज हमारे पास बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा वचन है। As in 3 John 2, the Bible says, "Beloved, I pray that you may prosper in all things." तीसरा यूहन्ना 2 के अनुसार बाइबल ऐसा कहती है, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना ये है कि हर एक बातों में तो उन्नति करता रहे। And be in health, just as your soul prospers. जैसे तेरी आत्मा उन्नति करता है, तेरा शरीर भी चंगा हो जाए। Here, John the saint prays and wishes his friend Gaius the best. यह जो है संत यूहन्ना अपना मित्र गायुस के लिए ये अभिवादन करके प्रार्थना करते हैं। God's wish for you also is the same. परमेश्वर इसी तरह से आपको भी अभिवादित कर रहे हैं। God always wants to give us the best things in our lives. परमेश्वर सदा हमारे जीवन में श्रेष्ठ आशीष देना चाहते हैं। May you have a prosperous journey, my friend. मेरे अनमोल मित्रों, आपका जीवन यात्रा बहुत ही संपन्न रहे। Our soul is more important than our flesh. हमारा आत्मा जो है हमारे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Let us pray to God for God to keep our souls holy and fresh. आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे आत्मा को पवित्र और तरोताजा बना के रखें। The Bible says in Proverbs 4:18. बाइबल नीति वचन 4:18 में ऐसा कहती है। The path of the righteous is like the morning sun. धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। Shining ever brighter till the full light of day. जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। God wants our soul as well as our life to be prosperous. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्राण और हमारा जीवन दोनों संपन्न रहें। He wants our body also to be in health. वो चाहते हैं हमारा शरीर में तंदुरुस्ती रहे। In Luke 5:31, Jesus says. लुका 5:31 में यीशु ऐसा कहते हैं। It is not the healthy who need a doctor, but the sick. क्योंकि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। Jesus came into this world for us to be healthy. यीशु इस जगत में इसलिए आए हैं कि हम चंगाई को प्राप्त कर लें। Today he wants you to have all the blessings in life. मेरे मित्रों, आज वो चाहते हैं अपने जीवन में हर एक आशीष को आप प्राप्त कर लें। May the Lord bless your career. परमेश्वर आपके पेशे को आशीष दें। May the Lord bless all that you have. आपके हाथ में जो कुछ भी है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। May you be prosperous, dear friend. मेरे मित्रों, आपने जीवन में आप संपन्न हो जाएं। Father, even now as the Bible says, let your people be blessed in everything, Lord. पिता, इसी वक्त जैसे बाइबल कहती है, आपके बच्चे हर एक बातों में आशीषित हो जाएं। Lord, I pray for those who are having back pain, Lord. पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके कमर में दर्द है उनके लिए। Father, because of that your people may be finding it difficult to work, Lord. पिता, इस वजह से आपके लोग काम करने में बहुत ही असमर्थ हैं। To earn. और पैसा कमाने में असमर्थ हैं। To live their livelihood. अपना जीवन जीने में बहुत ही असमर्थ हैं। Touch them and heal them, Lord. पिता, आप उनको स्पर्श करके चंगा करें। Have compassion upon your people and heal them, O God. अपने लोगों पे तरस खा के उनको आप चंगा करें। Some are even finding it difficult to sleep in the night. किसी किसी लोगों को रात में सोने में तकलीफ हो रही है। Father, let your nail pierced hand come upon them and heal them, Lord. पिता, आपके छिदे हुए हाथ उनको स्पर्श करके चंगा करें। Father, by your stripes let your children be healed. पिता, आपके कोरे खाने से आपके बच्चे चंगे हो जाएं। Let all the infections be healed. उनका सारा संक्रमण दूर हो जाए। The allergies be healed. सारे एलर्जी दूर हो जाए। Let the stone in the kidneys be dissolved. उनके गुर्दे में हर एक पत्थर जो है गायब हो जाए। Let them prosper in their businesses. अपने व्यापार में वो उन्नति करें। Let your people prosper in their soul. आपके लोग अपनी आत्मा में उन्नति करें। Father, fill them with your holiness. पिता, अपने पवित्रता से आप उनको भर डालें। Fill them with your spirit. अपने आत्मा से आप उनको भर डालें। Give them best things in their lives, Lord. उनके जीवन में आप उनको श्रेष्ठ आशीष दें। Thank you for prospering your children, Lord. धन्यवाद, अपने बच्चों को आप संपन्न कर रहे हैं। Bless them financially also.
आर्थिक रूप से भी आप उनको आशीष दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इन जीसस नेम। यीशु के नाम से। मे यू प्रॉस्पर इन एवरीथिंग डियर फ्रेंड। मेरे अनमोल मित्रों, हर एक बातों में आप उन्नति करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दें।